राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षों के हुंकार, संसद भवन से सड़क पर पहुंचा संग्राम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बातों की खेती करने वाले यूपी में करेंगे किसान सम्मेलन। स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर हमला, सपा के शासन में होता था भर्तियों में घोटाला। सीएम योगी का वाराणसी दौरा, बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में खराब रोड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, ग्रामीणों का कहना रोड नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की खास खबरें। वाराणसी में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गंगा खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं उसकी सहायक नदी वरुणा में भी जलस्तर काफी ऊपर आ गया है। इस वजह से नदी किनारे रह रहे कई लोग अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो जान जोखिम में डालकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में ही रह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो सड़क किनारे ही झोपड़ी बनाकर बाढ़ के पानी के नीचे उतरने का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी से बात कर हालात की जानकारी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान वो राहत शिविरों में राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। वहीं सीएम योगी शुक्रवार को गाजीपुर चले जाएंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी द्वारा किसान सम्मेलन के आयोजन पर सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है बातों की खेती करने वाली भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत किसानों और कृषि कानूनों के फायदे और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। अखिलेश ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सुना है बातों की खेती करने वाले भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। सपा के शासनकाल में सभी भर्तियों के लिए सैफई खानदान की ओर से सूची आती है और रेट तय रहता था। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि योगी सरकार के अभी तक के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवास से कोई सूची नहीं आई है। स्वतंत्र देव सिंह ने चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इससे दलित शोषित तबके के पिछड़े लोग इसका लाभ पाएंगे। दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन में विजय चौक तक मार्च किया। राहुल की अगुवाई में 15 विपक्षी दलों ने ये मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। फतेहपुर के जिलाधिकारी ने बाढ़ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया। वहीं यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से कई गांव प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते काफी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। किशनपुर थाना क्षेत्र के यमुना तटवर्ती इलाकों पर जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। वहीं जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए तहसील प्रशासन से निगरानी कर जरूरी सामान मुहैया कराने की बात कही है। तो डीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया, साथ ही साथ उन्हें जरूरी सामग्री भी वितरित की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया गया है।
आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में घाघरा नदी से होने वाली कटान को लेकर बाढ़ खंड और जिला प्रशासन अलर्ट हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा सगड़ी क्षेत्र के गांगेपुर में घाघरा नदी से हो रही कटान का निरीक्षण कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि जहां नदी पहले 200 मीटर दूर बहती थी, वो अब कुछ ही दूर पर बह रही है, जिसके चलते किसानों की कई एकड़ जमीन नदी की जलधारा में विलीन हो गई है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर कटान को देखते हुए निर्देश दिया है कि 100 की जगह 200 लेबर काम पर लगाए जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि जनपद में बाढ़ की स्थिति अभी नहीं है, जल स्तर बढ़ने और घटने की वजह से हो रहे कटान की समस्या को लेकर क्रेट को तेजी से काम पर लगा दिया गया है। देखिए, बाढ़ में अभी बाढ़ की स्थिति हमारे जनपद में नहीं है, बट क्योंकि इस बार जल स्तर जो है बार बार बढ़ा है और बार बार घटा है, तो कटान की स्थिति लगभग बनी हुई कई जगह पे, खासतौर से गांगेपुर मठिया के जगह पे जहाँ पे इस पर बनने की पूरी बनाने की कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे कटान की समस्या आई थी। बट फ्लड विभाग ने उसमें कार्य अच्छा करके अब तक कटान को रोका हुआ है, उसमें रक्षा करने में अभी तक सफल हुए हैं। कल जो हम गए थे, निर्देश हमने दिया था, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे गंगा जी और यमुना नदी में काफ़ी पानी बढ़ा है, तो बैकफ्लो आने की उम्मीद रहती है, तो जलस्तर बढ़ने का आशंका है। तो उसी लिए हमने उनको कल जाके निर्देश दिया है कि जो काम वो कर रहे हैं तटबंध बचाने के लिए, उसको और तेजी से करने की आवश्यकता। इस खबर को लेकर राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बाढ़ में कटान का निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? आजमगढ़ में जो घाघरा नदी, उसमें तेजी से कटान हो रहा है, कि प्रशासन कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, और वहाँ की जो जनता है, गांव वाले, उनका कई बार नेताओं से और गार्जियन से शिकायत की थी, कोई सुनने वाला उनका नहीं चाहिए। जी, पुल का वहाँ का जो जी वहाँ पे कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन समय से कार्य पूरा भी नहीं किया गया है और कोई काम नहीं हो रहा, बहुत धीमे धीमी गति से वहाँ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ২০২২ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में भले ही अभी शुरुआत न की हो, लेकिन गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत सुगही में 2022 में वोट न करने की बात सामने आई है। सुगही के ग्रामीणों ने रोड को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए प्रदर्शन किया। वहीं रोड खराब होने से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है 15 साल से रोड खराब पड़ी हुई है, अगर चुनाव के पहले रोड नहीं बनी तो गांव में नेता वोट मांगने ना आए और ना ही ग्रामीण के लोग वोट डालने जाएंगे। गांव के मुख्य गेट पर बड़े बैनर लगा दिए गए हैं और उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मेरा नाम निशाकर दुबे, मैं इस रोड को देखते देखते परेशान हूँ कि सारे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो रहा है, योगी जी का जो फरमान है, और यहीं बगल में एक सवर्णों का गांव है, 80% आबादी सवर्णों की है, लेकिन योगी जी या प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन, सांसद, विधायक, किसी का इस पर कोई निगाह नहीं है। आए दिन जो है एक्सीडेंट होता है, पैर टूटता है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं इस खबर पर हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, खराब सड़कों के हाल से अब ग्रामीण बेहाल हो चुके हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। रवि, आपको आवाज आ रही है? तो ग्रामीणों ने खराब सड़क से परेशान होकर वोट देने से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अब रोड नहीं होगी तो वोट नहीं दिया जाएगा।
कुशीनगर के खड़ा तहसील अंतर्गत महादेव गांव में बड़ी गंडक नदी का कटान लगातार जारी है। कटान होने से आसपास के ग्रामीणों में भय बना हुआ है। कटान के चलते किसानों की केले की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं किसान के पास नदी का कटान होने से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आपात स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गई है। स्थानीय ग्रामीण नदी का कटान रोकने को लेकर खुद बांस का सहारा ले रहे हैं। एक जो पहलू है वह घट्टे नदी के कारण जो है वो कटान करती है। महादेवा गांव जो कि खंडा तहसील के अंतर्गत आता है और यह जो पनीवा पुल के पूरब साइड में है और जो मुख्य स्ट्रीम थी वो सीधे जा रही थी, लेकिन सिल्टिंग के कारण, दाहिने साइड सिल्टिंग के कारण जो है वो डायरेक्ट महादेवा गांव की तरफ रुख कर ली, जिसके कारण कटान बढ़ गया है। खाली कराने की कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग अपना असेसमेंट करके हम लोग तैयारी। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। बारिश होने से गरीबों के घरों की छत गिर रही है। घर की छत गिरने से घर वालों में हड़कंप मच गया। वहीं इस हादसे में परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है, लोगों की छतें गिर रही हैं और इससे चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।